हेलो गाइस, मेरा नाम राजविंदर पटेल है और आप देख रहे हैं फार्मा एक्सपर्ट चैनल। गाइस, आज हम जो टॉपिक बताने जा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, ताकि आपको हर एक नए वीडियो का अपडेट्स मिलता रहे। गाइस, जो हम टॉपिक बताने जा रहे हैं वो टॉपिक है BMI। गाइज, ये टॉपिक आपके लिए और आपके फैमिली के लिए, आपके फ्रेंड्स सबको, क्योंकि गाइज इसका पूरा नाम है बॉडी मास इंडेक्स। गाइज, ये बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? ये हमारे बॉडी के हाइट और हमारे बॉडी का वेट का ये रिलेशन है। इस बॉडी मास, इस BMI की वैल्यू से हम ये पता करते हैं, BMI के वैल्यू से इसका रिलेशन होता है फ्रेंड्स हाइट और वेट का, हमारे बॉडी का हाइट और वेट का इसका रिलेशन होता है। इससे हम BMI की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड्स, ये BMI हमारा डिसाइड करता है कि हमारा बॉडी वेट के अनुसार, हमारे जो बॉडी का वेट है वो हमारा, हमारे फिजिकल के लिए, हमारे हेल्थ के लिए सही है कि नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हमारा बॉडी का वेट हाइट के अकॉर्डिंग अगर ज्यादा होता है तो हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है। अगर वो हाइट के अकॉर्डिंग अगर बॉडी वेट कम होता है तो वो भी बहुत डेंजरस होता है। तो फ्रेंड्स, ये BMI कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसकी क्या कैलकुलेशन होती है और क्या रिलेशनशिप होता है, गाइज आज इस हम टॉपिक में कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए गाइज, हम आगे डिस्कस करते हैं BMI के बारे में। जैसा कि हमने बताया कि BMI क्या होता है, BMI गाइज बॉडी मास इंडेक्स होता है। तो चलिए हम देखते हैं BMI, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स। गाइज, इसका डिफिनेशन हम पढ़ते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स इज ए मेजरमेंट ऑफ बॉडी फैट और पर्सन वेट विथ रिस्पेक्ट टू हिज या हर हाइट इज कॉल्ड बॉडी इंडेक्स जो वो हमारे बॉडी का वेट और हाइट का ये रिलेशन होता है, जिसको हम बॉडी इंडेक्स कहते हैं। गाइज, इसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है, जो कि हमने इस यहाँ पर दे रखा है कि वेट इन kg, दैट इज वेट ऑफ बॉडी इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। मीन्स गाइज, जो हमारे बॉडी का वेट है वो kg में लेंगे और जो हमारा डिवाइड करेंगे तो हमारा गाइज BMI की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। चलिए हम आगे एक एग्जांपल के से देखते हैं कि BMI कैसे कैलकुलेट करेंगे। गाइज, जैसा कि हमने एक एग्जांपल लिया है कि बॉडी वेट इज 80 kg एंड हाइट इज 1.77 मीटर, देन BMI इज ऑन हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा बॉडी वेट 80 kg दिया हुआ है और हाइट जो है 1.7 दिया हुआ है। तो इसको मीटर स्क्वायर करेंगे गाइज, तो 1.7 × 1.7 = 2.89 मीटर स्क्वायर। गाइज, ये हमारा मीटर स्क्वायर हाइट हो गया। तो इसको हम फार्मूला में डालेंगे। फार्मूला में डालने के बाद फ्रेंड, जो हमारा BMI कैलकुलेट हो गया आएगा वो है 27 पॉइंट है कि दैट इज ओवरवेट। तो ये हम लोग कैसे गाइज कैलकुलेट कर जानेंगे कि ये जो हमारा BMI 27.6 BMI है, ये हमारा ओवरवेट है। तो गाइज, एक चार्ट होता है, जिस चार्ट के थ्रू हम ये पता करते हैं कि हमारा BMI लिमिट में है या आउट ऑफ लिमिट है। तो गाइज, ये हमारा BMI का चार्ट रहा, जो कि लेफ्ट में BMI दिखा रखा है और राइट में वेट स्टेटस दिखा रखा है। गाइज, जैसे कि हमने वो कैलकुलेट किया था, जो इसके पहले जो हमने एग्जांपल दिखा 27.6, दैट इज ओवरवेट। गाइज, इसमें हम इंडेक्स में अगर देखते हैं तो 24.9 से लेकर 29.9, दैट इज ओवरवेट इस चार्ट में यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स, थर्ड नंबर पे। तो फ्रेंड्स, हम इस चार्ट को ध्यान से देखते हैं कि अब इफ़ द वैल्यू ऑफ BMI इज लेस देन 18.5, अगर 18.5 से हमारा BMI की वैल्यू कम है
इट मीन्स कि हमारा जो वेट है वो अंडर वेट है, मीन्स हमारा जितना वेट होना चाहिए गाइज उससे कम है हमारा वेट, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक है, सेकेंड पॉइंट है गाइज कि अगर हमारा BMI की वैल्यू 18.5 से 24.9 तक होता है गाइज, 18.5 से 24.9 तक होता है, तब हमारा बॉडी वेट स्टेटस जो है नॉर्मल है गाइज। इट मीन्स कि हमारे बॉडी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है अगर हमारा BMI की वैल्यू इस रेंज में आता है तो। अगर गाइज 24.9 से 29.9 BMI की वैल्यू आती है, इट मीन्स कि हमारा जो वेट स्टेटस है वो ओवर वेट है, मीन्स गाइज कि जो हमारा बॉडी का वेट और हाइट का जो रिलेशन है वो सही नहीं है। इट मीन्स कि हमारा बॉडी का वेट जो है वो ज़्यादा है, इट मे बी कॉजेज अ हार्मफुल डिजीज। आगे हम डिस्कस करेंगे गाइज कि ज़्यादा BMI की वैल्यू होने से या ज़्यादा ओवर वेट होने से हमारे बॉडी में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड है गाइज कि अगर हमारा BMI की वैल्यू 30.0 से ज़्यादा होता है, इट मीन्स ओबिसिटी का वो पेशेंट है। जैसा कि फ्रेंड हम फोटो के माध्यम से हमने ये दिखाया है कि बॉडी मास इंडेक्स का क्या रिलेशन, जैसे फ्रेंड्स आप लेफ्ट में देखिए जो ब्लू कलर का पर्सन है उसका वेट जो है उसका BMI की वैल्यू है 18.5 से कम है, इट मीन्स कि अंडर वेट है। जो ग्रीन वाला पर्सन है दैट इज नॉर्मल, और ये देखने से भी नॉर्मल लग रहा है, और इसकी वैल्यू भी है BMI की वो 18.5 से 24.9 है। इसी तरह से फ्रेंड्स येलो ओवर वेट है, जो ऑरेंज कलर का पर्सन है वो ओबीज है, उसका BMI 32-34.9 है, और जो फ्रेंड्स जो रेड कलर का जो पर्सन है वो एक्सट्रीमली ओबीज है, इट मीन्स कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम ओबिसिटीज, हिज BMI इज मोर देन 35 BMI, ठीक है गाइज। ये पर्सन का हुआ, ये मेल का हुआ गाइज। ये हमारा जो सेकंड जो पिक्चर है इसमें फीमेल का है गाइज, उसी तरीके से फीमेल का भी है। ये जो गर्ल्स ही इज अंडर वेट, ग्रीन नॉर्मल, ऑरेंज ओवर वेट एंड ओबीज रेड। गाइज ये हमारा BMI चार्ट है। सपोज अगर कोई पर्सन अपना ये फार्मूला के अकॉर्डिंग अपना BMI नहीं निकाल पाता है तो ये हमारा चार्ट दिया हुआ है फ्रेंड। हमारा हाइट है और जो अपर साइड में लेफ्ट टू राइट साइड में दिया हुआ है फ्रेंड्स वो हमारा वेट है, उसके अकॉर्डिंग गाइज ये हमारा चार्ट बना हुआ है। जो हमारा ब्लू कलर में है दैट इज अंडर वेट, ग्रीन कलर हेल्दी, येलो कलर ओवर वेट, ऑरेंज कलर ओबीज एंड रेड कलर एक्सट्रीमली ओबीज। इसके अकॉर्डिंग भी गाइज हम इस BMI चार्ट के अकॉर्डिंग भी हम अपना BMI की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइज ये हमारा BMI कैलकुलेटर है। इस BMI कैलकुलेटर में भी जैसे कि ऊपर दिया हुआ है कि यूनिट स्टैंडर्ड वेट हाइट, गाइज अगर इसमें अपना वैल्यू पुट करते हैं जैसे अगर वेट पाउंड में हाइट फीट और इंच में डालते हैं तो ऑटोमेटिक ये BMI की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी जो कि ग्रीन में दिखा रखा है 23.6, और ये आपको ये भी डिसाइड कर देगा कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ओवरवेट, नॉर्मल या ओबीज या अंडरवेट। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस इज BMI मीन्स कि ये हमारा जो BMI जो वैल्यू है जो BMI फार्मूला है ये सारों के लिए अप्लीकेबल है। तो फ्रेंड्स फॉर मोस्ट पीपल BMI कैन बी यूज टू प्रोवाइड ए गुड मेजर ऑफ ओबेसिटी, बट BMI फेल टू प्रोवाइड एक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑफ बॉडी कंपोजिशन लाइक अमाउंट ऑफ मसल बोन्स फैट ETC अदर टिश्यूज।
इन सम पर्सन BMI इज मोर एक्यूरेट मेजर ऑफ बॉडी फैट देन अदर. फॉर एग्जाम्पल पर्सन हु आर वेरी मस्कुलर मे फॉल इन टू द ओवरवेट कैटेगरी व्हेन दे आर एक्चुअली हेल्दी एंड वेरी फिट. दिस पर्सन विथ वेरी लो बॉडी वेट फैट परसेंटेज कुड हैव द सेम BMI स्कोर एज समवन हु इज ओवरवेट. सिमिलर एंड इल्डरली एंड फ्रेल इंडिविजुअल पर्सन मे बी इन द नॉर्मल वेट कैटेगरी व्हेन दे हैव लिटिल मसल्स मास एंड हाई परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट. BMI व्हेन यूज्ड फॉर चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट्स हु आर स्टिल ग्रोइंग दोज विथ लार्ज बॉडी फ्रेम मैन एंड हाईली मसल्ड इंडिविजुअल्स thus need to be assessed and interpreted carefully. Guys, अब एक BMI ग्राफ है जिस ग्राफ में ये दिखाया हुआ है. लेफ्ट साइड में वेट इन kg है, राइट साइड में वेट इन स्टोन्स है, और लोअर पोर्शन में हाइट इन मीटर्स है एंड अपर पोर्शन में हाइट इन फिट है. फ्रेंड्स, इसके रिस्पेक्ट में ये हमारा ग्राफ है जो कि ग्रीन कलर का अंडरवेट, ब्लू कलर का हेल्दी वेट, पिंक कलर का ओवरवेट, ओबीज येलो कलर एंड एक्सट्रीमली ओबीज रेड कलर. इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम ये समझते हैं. गाइज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि दोज विथ हाई BMI आर कि जिस पर्सन की BMI की वैल्यू अगर ज़्यादा है, इट मीन्स कि 24.9 से अगर BMI की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब कि वो पर्सन को क्या क्या रिस्क हो सकता है. फ्रेंड्स, हमने जैसा पहले ही स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि BMI के रिलेशन बॉडी और बॉडी का वेट और मास. तो फ्रेंड्स, अगर हमारा बॉडी और वेट का, हाइट और वेट का रिलेशन अगर सही नहीं रहता है तो ये इट मे बी रिस्की फॉर अस. तो देखिए, अगर BMI की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो क्या क्या रिस्क हो सकता है. हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल और अदर लिपिड डिसऑर्डर. अगर BMI की वैल्यू ज़्यादा है तो हम ओबेसिटी के शिकार होंगे, और उससे हमारा क्या है कि हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल और अदर लिपिड डिसऑर्डर हो सकता है. सेकेंड है फ्रेंड्स, टाइप 2 डायबिटीज़ यानी शुगर के पेशेंट हम हो सकते हैं. हार्ट डिजीज. फ्रेंड्स, ये तो आपने देखा होगा कि जितने भी जो लोग ओबेसिटी के शिकार होते हैं, जो ओबेसिटी के पेशेंट होते हैं, उनकी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, सांस फूलने की प्रॉब्लम होती है, चलने में प्रॉब्लम होती है, और हाई ब्लड प्रेशर की रिस्क होता है, सर्टेन कैंसर, गाल ब्लेडर डिजीज, प्रीमैच्योर डेथ. फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कम एज में ही बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, वो प्रीमैच्योर में ही डेथ हो जाते हैं उनकी. तो ये हमारा बहुत रिस्की है, इसलिए BMI को कंट्रोल करके अपना रखना चाहिए. फ्रेंड्स, ज्वाइंट डिसऑर्डर. फ्रेंड्स, ये है क्या उसका रेंज होता है और कैसे, और BMI ज़्यादा होने से क्या क्या रिस्क हो सकता है. तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. माई चैनल इज़ फार्मा एक्सपर्ट. थैंक यू.